रऊफ हसन साहब को एक रोजा फिजिकल रिमांड के ऊपर सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। हमने बार बार सजा की कि ये रिमांड नहीं दिया जा सकता, डिस्चार्ज का केस है। रऊफ साहब के ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि 3 लाख रूपया इन्होंने वकास जंजुआ को दिया है कि आप कलदम तंजीमों से मवाद खरीदें। यानी किस तरह मुजक्का खेज आम शहरियों को, पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानियों को आप दहशतगर्द बना रहे हैं। वकास जंजुआ जो है इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर, उनके ऊपर भी इसी तरह से एक मुजक्का खेज मुकदमा बनाया गया। एक में उसकी जमानत हुई और दूसरे में आज जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। ये पहले वाला मुकदमा था जिसमें खारिज की गई है, जिसमें रऊफ हसन साहब का फिजिकल रिमांड एक दिन के लिए दिया गया है। ये मुकदमा ऐसे ही बनाया गया था कि जनाब इसका तल्लक जो है कलदम तंजीमों के साथ है, राबता है, उनसे मवाद खरीदता है, ये हो है वो है, हमने नाके से इसे गिरफ्तार किया, फलां किया, इसके पास नीला बैग था। हालांकि वकास जंजुआ को घर से जिस तरह से ले गए हैं वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने, और हमने चलाए भी हैं, लेकिन फिर भी झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। फिर अदालत में वो वीडियो भी पेश की जाती है, लेकिन अदालत देखती जरूर है, लेकिन वो फॉरेंसिक हो जाए जी, उधर से टेस्ट आ जाए जी, इधर से टेस्ट, सबको पता है झूठे केसेस हैं। और क्या है कि जनाब आज फिर उस मुकदमे में वकास जंजुआ की बेल खारिज की गई है। एक में उसकी जमानत दी गई है जिसमें रऊफ हसन साहब और तमाम स्टाफ को उठाया था, उसमें जमानत मिल गई है, लेकिन जो पहले मुकदमा बनाया था उसमें जमानत खारिज की गई है। और रऊफ हसन साहब को एक रोजा फिर दे दिया गया है। कैंसर के मरीज हैं, उनकी तबीयत नासाज थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ना उनके मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। मतलब आप किसी कानून, किसी आइन के तहत आप किसी के बुनियादी हकूक सलब नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो दवाई आपने देनी है, आप किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा शुबाज गिल, उनके भाई को अगवा किया गया, अजहर मशवानी के भाइयों को अगवा किया गया। इसके अलावा और हमारे कितने लोग सोशल मीडिया के, उनको अगवा किया गया, हाजी इम्तियाज अहमद ने उनको अगवा किया गया। तो आज समाज थी शुबाज गिल के भाई की, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जनाब आकर स्टेट काउंसिल कहते हैं जी कि हमने चेक करवाया है जी, कोई जो है हमें पता नहीं चल रहा कि वो किसी इदारे के पास है, उस इदारे से भी रिपोर्ट लिया है, उस इदारे से भी रिपोर्ट, उनको नहीं इन्फॉर्मेशन कि वो किधर है, उनके पास नहीं है। तो लिहाजा तमाम इदारे अपने लोगों को अगवा करने में लगे हुए हैं, लेकिन जहां दूसरी तरफ ओरिजिनल दहशतगर्द हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो अदालत ने 6 तारीख का दिया है टाइम कि 6 तारीख को आप शहबाज गिल के भाई को हर सूरत अदालत में पेश करें। उन्होंने कहा कि मैं अब ऑर्डर कोई पास करता हूं तो मेरे खिलाफ फिर ट्रॉलिंग शुरू कर दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि किसी ने डिग्री मेरी चेक करनी है ना तो आज चैम्बर के अंदर। तो मतलब यह कि अगर जज कोई इंसाफ देता है या कोई इंसाफ की बात करता है तो ये ट्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपको बताऊं कि जनाब शिवली फराज साहब का नाम ECL में डाल दिया गया, हमारे दीगर लोगों के भी नाम डाले गए हैं। आज ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट तारिक जंगीरी साहब ने अहकाम जारी करते हुए उनका नाम ECL से निकाला है। यानी जो बंदा तहरीक इंसाफ का, जो उसके साथ अलग है, उसका कोई कारकुन है, उसका कोई रहनुमा है, जिसका खान साहब के साथ अलग है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं, की जा रही हैं और ये जारी हैं। इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून की एक जो हदूद है उसके अंदर रह के हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग जो है ये जारी रखनी है। आप जो मर्जी है कर लें, हमारे आप इरादे पस्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।